आज मैं अपने एसएसपी के साथ आप लोगों से इसलिए मुखातिब हूँ कि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स जेएनके में लागू होने वाला है उसके बारे में लोग अलग अलग और गलत तरीके की बातें फैला रहे हैं। मैं चंद चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स जेएनके पूरे भारत में सबसे आखिरी यूटी है जो लागू कर रही है। प्रॉपर्टी टैक्स में आपकी म्यूनसिपैलिटी को जो आप टैक्स देंगे वो आपकी म्यूनसिपैलिटी के पास रहेगा और आपके मोहल्ले, आपके टाउन, आपके शहर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। बेहतर नालियाँ बनेंगी, बेहतर सड़कें होंगी, बेहतर गलियाँ होंगी, बेहतर बिजली की सप्लाई के लिए खंभे और बाकी चीज़ें में ये टैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये टैक्स ना ही राज्य ये यूटी सरकार के पास जाएगा और ना ही कहीं और जाएगा। इसके अलावा ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि टैक्स हर महीने देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स आपको केवल पूरे साल में एक अमाउंट देनी पड़ेगी जो आप एक किस्त में भी दे सकते हैं और दो किस्तों में भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक लेवल पे है, म्यूनसिपल काउंसिल में उससे कम लेवल पे है और म्यूनसिपल कमेटी में उससे भी कम लेवल पे है। आपको ये समझना पड़ेगा कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा वो बिल्कुल नाममात्र होगा। हमने कैलकुलेशंस की हैं जो म्यूनसिपैलिटी के ईओज आप लोगों के साथ साझा करेंगे। 1,000 स्क्वायर फीट की जो मकान है, रिहायशी मकान, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर भी हमने देखा है कैलकुलेट करके कि साल का कोई 200 रुपया 500 रुपया बनेगा और मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक ऐसी अमाउंट है जिसके लिए कोई भी आम आदमी तैयार नहीं होगा देने के लिए। पर जब ये सब आप लोग ये प्रॉपर्टी टैक्स देंगे तो जो म्यूनसिपैलिटी की आमदन में इजाफा होगा वो आप लोगों के मुफाद के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। धन्यवाद।